कभी कभी क्या होता है कि लोग दूसरों के भरोसे कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं अपने लाइफ के जो बहुत दुखदायी होते हैं और जिनकी भरपाई हम जीवन भर नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आप उससे समझ पाएंगे कि निर्णय कभी दूसरों के भरोसे नहीं लेना चाहिए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बहुत ही मजे से बहुत खुशियाँ ले रहा था। अचानक एक दिन उसकी एक आँख फूट गई रात। जब वो सुबह गांव में निकला तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, काना काना बोल के चिल्लाने लगे, चढ़ाने लगे। उसको बहुत गुस्सा आया और बहुत परेशान रहने लगा। उसको लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और उन गाँव वालों को सबक सिखाने के लिए उसने एक अपने योजना बनाई, एक तरकीब बनाई दिमाग में। उसने क्या करा, अपनी दूसरी आँख भी फोड़ ली और अगले दिन सुबह गांव में जा जा के चिल्लाने लगा कि मुझे भगवान दिखाई दे रहा है, मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। तो गांव वालों को लगा कि ये क्या बोल रहा है, सच में ऐसा है? उसको लगा हाँ, मुझे भगवान दिखाई दे रहा है। तो सरपंच ने पूछा वो कैसे? उसने बताया कि मैं कल जब रात में सो रहा था तो मेरे सपने में एक आवाज़ आई और उन्होंने कहा अगर आप अपनी दूसरी आँख भी फोड़ लेते हैं तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। जैसा सरपंच ने उसकी बात सुनी समझी तो सरपंच ने बोला मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला आपको भी अपनी दोनों आँखें फोड़नी पड़ेंगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे आपको भी और भगवान दिखने लगेंगे। तो उसने क्या, अगर सरपंच ने उसकी बातें समझी, सरपंच ने भी अपनी दोनों आँखें फोड़ ली। अब क्या हुआ, सरपंच को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भगवान तो छोड़ो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो क्या, उस काने व्यक्ति के कान में जाके बोलता है सरपंच कि मुझे भगवान तो नहीं कुछ और भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो उसने बोला चुपचाप रहकर सबको यही बोलो कि आपको भगवान दिखाई दे रहा है, नहीं तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। तो सरपंच उसकी बात मान के यही बोलने लगा कि मुझे भी भगवान दिख रहा है। जब सरपंच ने भी बोला कि मुझे भी भगवान दिख रहा है तो गांव वालों को और विश्वास हो गया कि नहीं, सही में आँख फोड़ने से भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो लोग क्या है, भगवान का देखने की चाहत में एक बारी बारी करके गांव वाले अपनी अपनी आँख फोड़ते गए दोनों आँखें। और क्या हुआ, भगवान को देखने की वजह से ऐसे सारे गांव वालों ने अपनी आँख फोड़ ली। तो दोस्तों, मैं कहानी के जरिए आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी लाइफ में कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना चाहिए, दूसरों के भरोसे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आप निर्णय अपनी दम पे और अपनी हुनर से के भरोसे अपना निर्णय लेना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे अपना निर्णय लाइफ का लेना चाहते हैं तो वो व्यक्ति एक अच्छा लीडर होना चाहिए, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए जिससे आपको पछतावा ना हो। थैंक यू दोस्तों, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।